का रुख करते हैं तो आपको बता दें, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में तमाम विश्लेषक महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी तो खुलकर हार का ठिकरा कांग्रेस और राहुल गांधी पर फोड़ते हुए नजर आए। अब खुद कांग्रेस के अंदर ही कलह मच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। इसके अलावा कार्ति चिदंबरम ने भी हार पर चिंतन की बात कही है। तो वहीं पर अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि आंतरिक मसलों को मीडिया में लाने की जरूरत नहीं थी। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, कपिल सिब्बल को मीडिया के समक्ष हमारे आंतरिक मुद्दों का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी, इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस ने 1969, 1977, 1979 और साथ ही बाद में साल 1996 में विभिन्न संकटों का सामना किया है, लेकिन हर बार हम अपनी विचारधारा, नीतियों और पार्टी नेतृत्व में विश्वास के चलते मजबूत होकर उभरे हैं। देश में विभिन्न चुनाव में कांग्रेस की हुई बुरी पराजय के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई मीडिया में नहीं आए, कपिल सिब्बल के बयान के संदर्भ में उनका ये बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा भी है और कांग्रेस इस हार के बाद हताशा के उस दौर से गुजर रही है कि वो अपनी करतूतों को इतिहास में माफ न करने लायक इस किस्म की एक दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी विचार के नाम पे, व्यवहार के नाम पे और दिशा के नाम पे शून्य हो गई है और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त का नारा शायद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी जी, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि जिस तरीके से बिहार चुनाव का नतीजा आया है, सरकार भी बन गई है, मंत्रिमंडल की लगातार बातें चल रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से महागठबंधन की पूरी हार पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना, ये कितना सही है? देखिए, कांग्रेस को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने के पीछे बहुत सारे जो महागठबंधन है उसकी पार्टियों के अपने राय है जी, और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए, जिस तरह से एक मुख्य विपक्षी दल है, एक राष्ट्रीय दल है, अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाती कांग्रेस, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का है और इसी के कारण बहुत सारी उंगलियां बार बार कांग्रेस की तरफ उठती हैं जी। आप अगर बिहार का इलेक्शन देखेंगे तो 75 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और इससे कम सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी जी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का परफॉर्मेंस देखने में लगता है सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, लेकिन वहीं कांग्रेस को अगर इवैल्यूएट किया जाए तो आप देखेंगे कि इतनी 70 सीटों पर लड़ने के बाद और वो जो परफॉर्म करना चाहिए, जितनी सीटें जीतनी चाहिए थी जी, उतनी सीटें में कामयाब नहीं जी। तो असंतोष होना स्वाभाविक है पार्टी में जब। तो आपको भी लगता है आरबी जी, जिस तरीके से शिवानंद जी की ओर से बात कही गई है, तमाम हार को लेकर कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ दिया गया और उन्होंने कहा कि 70 जगह पर उम्मीदवार उतारे लेकिन 70 जगहों पर राहुल गांधी की ओर से रैली तक नहीं की गई, तो क्या आप भी इस बात से सहमत है कि वाकई कांग्रेस की वजह से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं ये वजह रही महागठबंधन की सरकार ना बन पाने की? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में नहीं बनी जी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की परफॉर्मेंस ही जिम्मेदार है कि अगर मान लीजिए 40 सीटों पर या 35 सीटों पर लड़ते तो आरजेडी को उतनी सीटें और मिलती तो वो शायद कुछ और अच्छा परफॉर्म कर पाती, ऐसा आकलन एक्चुअल मैं करता हूँ जी। कांग्रेस का देखिए बिल्कुल बात है कि जब 70 कैंडिडेट आपने उतारे हैं और आप देखेंगे ना आपके स्टार प्रचारक ना वहां धुआंधार प्रचार, जहां आप देखेंगे जी कहा गया कि उनकी बहन भी नहीं आई थी चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पर, आरजेडी में आप देख रहे थे तेजस्वी यादव इतनी रैलियां धुआंधार रैलियां कर रहे थे और पूरा पसीना बहा रहे थे जी। तो वही कांग्रेस में उस तरह का उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था, तो इससे ये लगता है कि भाई कांग्रेस इसी भरोसे बैठी थी कि भाई
आरजेडी मेहनत करेगी और आरजेडी का वोट हमें मिल जाएगा, कुछ हमारा वोट। लेकिन आरबी जी, सवाल ये भी उठता है ना कि ये सब चीजें अगर पहले से पता थी, आप महागठबंधन के अंदर हैं, आपस में आपका अलायंस है, तो ये बातें पहले निकल कर सामने आनी चाहिए थी। अब जब चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, सरकार किसी और की बन गई, तब आप कांग्रेस को ये बातें कह रहे हैं? पहले भी तो आप कह सकते थे ना ये सारी बातें, ये इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही है अब? देखिए, आपस में जब कहते हैं जहाज डूब रहा होता है तो बहुत सारी चिंताएं और बहुत सारी आशंकाएं जन्म ले लेती हैं। उसी परिदृश्य में देखेंगे, कांग्रेस हार रही है तो जिन लोगों के मन में संशय है, दुविधा है, या जो गुटबंदी है, वो कहीं ना कहीं चरम पर पहुंचती है जी। और आप यही देख रहे हैं कि भी तभी अगर जीत जाते तो इनमें से एक भी नहीं बोलता और कोई टोनियां गईं या नहीं गईं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था जी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस हारी है, आप देखेंगे जो लोग इस ताक में बैठे रहते हैं कि भी कब परफॉर्मेंस खराब हो और हम उंगली उठाएं, देखिए बिल्कुल, मान लीजिए दूसरे लोग जो उंगली उठा रहे हैं, कपिल सिब्बल हैं, तारिक अनवर हैं या चिदंबरम हैं, तो उन लोगों को किसी ने रोका था, वो लोग जाते वहां पर अपना पसीना बहाते और काम करते, रैलियां करते, किसी ने रोका थोड़ा था, पार्टी का काम था वहां एज ए वर्कर, आप भी जाके काम कर सकते थे, तो आपने कितना काम किया, आप अपने काम आकलन करें तो अच्छा लगता है कि भी हमने मेहनत की थी जी। तो आरबी जी, एक आखिरी सवाल भी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कपिल सिब्बल की ओर से बयान दिया गया, उसके बाद में अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट करके पलटवार किया गया, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, गहलोत का कहना भी बिल्कुल ठीक है जी, मान लीजिए कोई ग्रीवेंस है, आपको शिकवा शिकायत है, तो समीक्षा बैठक होती है, हार का विवेचन होगा, उस समय आप इंटरनल प्लेटफॉर्म पर यह सब चीजें उठाएं जी, जिससे कि मीडिया में और ज्यादा या पब्लिक के बीच में पहले ही मैसेज ठीक नहीं है और एक गलत मैसेज जाए और कार्यकर्ता और ज्यादा कहीं ना कहीं निराशा के माहौल में चला जाए जी। वो किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बातें रखिए, अंदर अपनी बातों पर मंथन कराइए, चिंतन कराइए, वो ज्यादा अच्छा है, वनस्पति पब्लिक उसमें आके डोमेन में आके आप जी। ठीक है, चलिए आरबी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।